अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। आज यहाँ नगर निगम के जीवाराम हॉल में मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रथम आयोजन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी है, तो विशेष दिन को चुन करके हम लोगों ने आयोजन किया यहाँ पर, जिसमें हमारे CDO मैडम, हमारी मेयर मैडम और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर साक्षी बैजल, वो भी उपस्थित हुए। अपने नगर आयुक्त महोदय रहे, अपर नगर आयुक्त महोदय रहे। आज के जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य रूप से हमने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसके लिए हमने विशेष रूप से एक अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता को आमंत्रित किया था, आकांक्षा आस्था कुलश्रेष्ठी। उन्होंने बताया कि महिला कानून क्या है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमने एक सदस्य आमंत्रित किए, तो प्रखर गुप्ता जी, उन्होंने जेंडर इक्वालिटी में पुरुषों का क्या योगदान है महिलाओं के उत्थान में, उस विषय पर प्रकाश डाला। बाल भारती पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने ज़बरदस्त तरीके से आत्मरक्षा का किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए उसका एक डेमो दिया। दाऊदयाल महिला कॉलेज से एक छात्रा रागिनी, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। ओवरऑल कार्यक्रम ज़बरदस्त रहा, जहां पर हमारी स्वच्छता कर्मचारी जितनी महिलाएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शहर को फास्टेस्ट मूवर्स सिटी का भी खिताब मिला है, तो उसमें जिन महिला कर्मचारियों ने निष्ठापूर्वक कार्य किया, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उनको भी पुरस्कृत किया गया। तो ओवरऑल कार्यक्रम महिलाओं के अंदर एक एनर्जी भरने का था, जो भरपूर तरीके से हम लोग भर पाए। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आज जब वक्तव्य आया तो एक बात आई कि आज पुरुष दिवस है, प्रखर जी ने हमें बताया, जो हमें आज मालूम पड़ा। और महिला दिवस इस तरह से मनाया जाता है जैसे हम कहाँ दबी कुचली महिलाएं हैं और हमारे उत्थान के लिए सभी लोग एक होकर के आगे आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम महिलाएं अपने आप को दबा कुचला बिल्कुल भी महसूस ना करें। यदि अगर हम कहीं पर अपनी स्थिति को निम्न वर्ग का मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है। हम उठना नहीं चाहते तो हमें कौन उठाएगा? ऐसा नहीं है कि पुरुषों के ने हमें कभी सहयोग नहीं किया। एक पहिए के, एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं और हमेशा हम लोग भी जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमारे घर से हमारे पति का, हमारे पिता का, भाई का योगदान रहता है। तो हम लोग इस स्थिति को समझें और केवल बेचारी बन करके काम ना चलाएं। हम खुद को, अपनी स्थिति को आगे लाने के लिए खुद को सक्षम करें और आगे निकल करके आएं। और ये दिन यदि पुरुष नहीं याद रखते तो ये दिन हमें भी। आज मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे बीच जो कार्यक्रम रहा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साक्षी बैजल जी उपस्थित रहे, CDO मैडम और हमारी माननीय पार्षद महलागढ़। जो प्रमुख उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो महिलाओं को जागरूक करना है। खासतौर पर आजकल के दौर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेटे और बेटियों में भेदभाव किए जाते हैं। हम अगर बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या जैसी या दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएँ हमारे देश में आज भी प्रचलित हैं। आज का जो प्रमुख उद्देश्य था कि हम अपनी महिलाओं को इन सभी जो भी कुप्रथाएँ हैं उनके बारे में जरूर जागरूक करें और उनको अवेयर करें, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना किसी बेटी या महिला के साथ ना हो। और अगर हम बात करें कि इस तरह की घटनाएँ होती क्यों हैं, ज़्यादातर जो इसका प्रमुख कारण है वो शिक्षा का अभाव होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे बीच माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बेटी बेटियों में कभी फ़र्क ना करें। बेटों के बराबर अधिकार बेटों को भी, बेटियों को भी देंगे तो ज़रूर समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर देश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ की बेटियां या महिलाएं शिक्षित होंगी और संस्कारित होंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।